Hi guys, my name is Shichika and welcome to our channel Imperfect Souls. Today I am super duper excited क्योंकि हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पर जा रहे हैं. आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा. सो वी आर गोइंग टू ऑटो एक्सपो 2023. अभी भी बोल के ऐसा लगता है 23 आ गया है. यस, सो विच इज इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्चुअली, विच इज इन ग्रेटर नोएडा. सो अभी जस्ट मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ एंड देन विल क्विकली गो देयर. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए क्योंकि बहुत सारी जो नई नई गाड़ियाँ हैं वो लॉन्च हो रही हैं एंड वी आर सुपर एक्साइटेड टू सी ऑल दोस एंड हम वो दिखाएंगे आपको व्लॉग में. सो जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करती हूँ और फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस बार ऑटो एक्सपो हो रहा है 13th to 18th of January इन ग्रेटर नोएडा, जहां आपको दिख जाएगा एक से एक न्यू लॉन्चेस फॉर डिफरेंट कार सेगमेंट्स. बहुत दूर से ही आपको ऑटो एक्सपो के बोर्ड दिखने लग जाते हैं एंड कार पार्किंग से यू हैव टू वॉक फॉर अराउंड 5 to 10 minutes टू रीच गेट नंबर 5. यहां पर होगा आपका सिक्योरिटी चेक एंड हेयर यू आर इनसाइड ऑटो एक्सपो. टिकट की बात कर लेते हैं. सो हमने टिकट बुक करवाई थी बुक माई शो से, ऑल दो आप यहाँ आकर ऑफलाइन टिकट भी बाय कर सकते हैं. ऑटो एक्सपो में है मल्टीपल हॉल्स जो कैटेगरी एंड ब्रांड के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं. गेट 5 से एंटर करते ही सबसे पहले आता है हॉल नंबर 12 एंड एज सून एज यू एंटर देयर वर लग्जरी कार्स. पहली कार ही सुपर कार है. या और ये ग्रे कलर की कार तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बट फिर मेरी नज़र पड़ी ये रेड वाली कार पर एंड इट वॉज डेफिनेटली अ ट्रीट टू आइज. इसके बाद इस हॉल में थे बहुत सारे अपकमिंग लॉन्चेस ऑफ बस एंड ट्रक्स. ये डबल डेकर बस के ऊपर जाकर नज़ारा चेकआउट करते हैं. चलो चलते हैं. यहाँ पर ये इंजन भी डिस्प्ले पर था. अब मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ का तो पता नहीं है, बट इन केस यू वॉन्ट टू रीड अबाउट एनी ऑफ द न्यू लॉन्चेस, यहाँ पर ऐसे पोडियम थे वेयर यू कैन गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. हॉल 10, 11 और 12 आपस में कनेक्टेड हैं एंड इसी हॉल के एक कोने में था ये सेक्शन विच वॉज डेडिकेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट कॉल्ड सस्टेन बाय कार्टिस्ट, यू नो कार प्लस आर्टिस्ट. एंड देयर वर लिटरली आर्टिस्ट्स जो लाइव पेंटिंग बना रहे थे एंड यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर कार्स पड़ी थी जिन पर आर्टिस्ट ने कलाकारी कर रखी थी. मुझे ये जो इंडियनाइज वर्जन ऑफ स्कूटीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड दिस कार जो कि पूरा ये सर्किट्स से भरी हुई थी दैट वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल. एंड वो पिंक वाली कार तो बिल्कुल ही आपकी नज़रों से हट नहीं सकती. वाओ, ये कितनी सुंदर लग रही है एम्बेसडर. वाओ, ये कितनी सुंदर लग रही है. दिस इज एम्बेसडर. दिस इज पवेलियन जहाँ पर अंदर जाने के लिए लिटरली देयर इज अ लाइन. सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर देयर. Just look at that. So this is the Lexus Pavilion and in that you will see one of the most beautiful and futuristic car which actually looks like a Batmobile, I must say. So looks like a Batmobile guys. Bus black color mein hoti to wow. This is the new Toyota Innova Hi-Cross. एक तो ये कलर बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग है एंड द वे इन्होंने ये मॉडल बनाया है विच डिपिक्ट्स द इंटीरियर सो एप्टली इज सो यूनिक.
So this is an extreme off-road truck by Toyota. एंड इसकी जो हाइट है उसका रेफरेंस देने के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं कुछ यहाँ तक ही आ रही हूँ. सो बाकी की जो इतनी मतलब इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ये ऊपर सरफेस पर भी है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ. बट दिस सीम्स टू बी अ रियली फ्यूचरिस्टिक एंड वन हु लव्स ऑफ रोडिंग इज़ डेफिनेटली गन अ लव दिस ट्रक विच इज़ बाय टोयोटा. दिस इज़ द टोयोटा हिलक्स. सच अ ब्यूटी. नेक्स्ट टू इट वॉज मरुतिस पवेलियन एंड वहाँ लॉन्च हो रही थी उनकी ईवी कार. एंड जिस टाइम पर कोई भी कार का जो रिवील होता है उस टाइम पर जो माहौल होता है जो एनर्जी होती है एंड द वाइब इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. Guys, it seems कि ये जो halls है ना ये सब connected है. तो हम वहाँ कहीं से enter किए थे which was hall number 12 and अभी हम पूरा घूम के बाहर आए हैं ये hall number 9 से. So अब हम आगे चलते हैं hall number 7 की तरफ. This is the pavilion as you enter and then here we have all the beautiful cars from Kia. Kia ने अपना जो logo है वो change कर लिया है now. कुछ ऐसा लगता है Kia का logo and this is their sonet. This is the Kia Seltos which is one of the most loved SUVs. Another beauty from Kia which is Karens. I hope I'm pronouncing it correct. This one is EV6 and ये एक concept car है जो कि Kia ने launch की है. So concept car में क्या होता है कि company एक car जो है वो showcase करती है to tell कि वो future में किस technology पर काम कर रहे हैं and उस car का क्या design हो सकता है. Actual में जब car launch होती है तब maybe उसका जो design है वो change हो जाए और maybe जो features हैं वो change हो जाए. But this is something जिसे customers को पता चलता है कि आगे जाके company का क्या vision है and what company is working on so that the customers are excited about new launches. So इसीलिए जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट कार्स लेकर आती हैं एंड वो ऐसे ऑटो एक्सपो में उनको शोकेस करती हैं. धन्यवाद. सो गाइस अभी अभी हमने कंप्लीट किया हॉल नंबर 7 जो कि मेनली था किया को डेडिकेटेड एंड किया की जितनी भी न्यू कार्स हैं पुरानी कार्स हैं सब डिस्प्ले पर थी. बहुत ही अमेजिंग. EV6 बेस्ट है उनकी मतलब जो मुझे पसंद है. EV6 इज द बेस्ट. तो फिर उसका पैसा भी तो सबसे बेस्ट है. यार बहुत अच्छी कार है यार वो हमने पहले भी देखी है मतलब इंटीरियर वगैरह. EV6 यहाँ पर रेड कलर में थी और वाइट में भी थी बट आई थिंक ब्लैक कलर हमने देखा था ना. ब्लैक कलर लुक्स द बेस्ट. इट लिटरली लुक्स लाइक अ बैटमोबाइल जो ब्लैक कलर है EV6 का. बट बहुत महंगी है गाइस. बहुत ज्यादा महंगी कार है वो. चलो नेक्स्ट पवेलियन वाज मेनली डेडिकेटेड टू ईवी चार्जिंग. अब इतनी सारी ईवी की कार्स आ रही हैं तो एक चार्जिंग का नेटवर्क होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो दे वर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड दे हैव डिफरेंट डिफरेंट चार्जिंग स्टेशंस थ्रू आउट द इंडिया. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन था और यहाँ पर ही बहुत सारे बूथ्स थे जहाँ पर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे एंड दे वर ऑल्सो शोकेसिंग द वर्क और द इनोवेशंस दैट दे हैव डन while they are in college. Overall, the experience was just amazing and we were loving every minute of it.
So now let's explore hall number 3. So the first company that I can see is Hyundai. So guys, अब हम हैं Hyundai के pavilion में और ये जो मेरे पीछे है, this is Hyundai की Ioniq 6, which is again a very beautiful car, which is electrical. So यहाँ पर जो एक चीज़ है in this auto expo, जो electrical cars है, उसका बोलबाला है. हर एक pavilion में you will see some new cars which are EV, and this is a EV concept car, and the beauty car की जो पूरा structure है, जो look है, that is just amazing. एंड जैसे जैसे आप ऑटो एक्सपो में आगे बढ़ते रहते हैं, यू विल सी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस आने वाले हैं. तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही सालों में जो इंडिया के रोड्स हैं, उनकी जो दशा और दिशा है, वो एकदम बदलने वाली है, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ जो है वो अब रोड्स पर आने वाली हैं. कॉन्सेप्ट है Hyundai का, और Hyundai एज अ कंपनी जिस जिन जिन चीज़ों पे फोकस करती है, वो सब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है. मेनली जो कार्स की बात करूँ मैं Hyundai में, वो कुछ ही हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं. मेनली जो Ioniq सीरीज़ है, वो जो है वो इस पवेलियन में मेनली आपको देखने को मिलेगी. सो अभी हमने Hyundai देख ली, BYD देख ली, अब हम जा रहे हैं हॉल नंबर 14 में, जिसमें टाटा है. टाटा टाटा ईसु भी बहुत एक्साइटेड है नई नई कार देख के. I am enjoying. मजा आ रहा है. कितने ऐसी घूमी घूमी करन इन सारिया कार. अब हम हॉल नंबर 14 में एंटर कर रहे हैं. टाटा मोटर्स. अभी हम आ गए हैं हॉल नंबर 14 में, जो कि है टाटा मोटर्स का हॉल. एंड दिस वाज वन हॉल जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि टाटा ने हाल ही में बहुत ही सारी जो है सुंदर सुंदर कार्स वो लॉन्च किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट कार्स भी लॉन्च किए हैं. स्पेशली द वन विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज हैरियर ईवी. यस, हैरियर अब ईवी में भी आ गई है और वो मेरे बिल्कुल पीछे है, तो अभी हम जाकर उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. बट ओवरऑल जो इस पवेलियन की वाइब है, दैट सीम्स भी सो अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं. वैसे भी जो टाटा है वो ईवी सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि जो टाटा नेक्सॉन है वो ईवी वाली आजकल आपको रोड्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल ही जाती है. एंड टाटा ऑल्सो हैज़ टियागो विच इज़ ऑल्सो इन ईवी, और अब जो टाटा हैरियर है वो भी ईवी में आने वाली है. सो देखते हैं कि वो कब लॉन्च होती है. उसका भी प्राइस वगैरह कुछ रिवील नहीं हुआ है, बट हम यहाँ पर वो गाड़ी ज़रूर देख सकते हैं. तो चलिए और जो टाटा मोटर्स का पवेलियन है उसको एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स गो. दिस इज टाटा ईवी, और इसकी ग्रिल बहुत अच्छी बना दी है इन्होंने, मतलब बढ़िया लग रही है. आओ. ये अभी एक कॉन्सेप्ट कार है, ये इसकी ग्रिल है, बहुत अच्छी लग रही है, और ये अडास आ गया इसमें. इसमें 360 डिग्री कैमरा भी है. ये कैमरा यहाँ पे लगा है, बाकी वहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएंगे. 360 डिग्री कैमराज है. इसकी रेंज अभी कंफर्म नहीं की इन्होंने, बाकी देखते हैं. ये अभी 2026 में कह रहे हैं लॉन्च करने के लिए. सो गाइज, ये भी एक नई कार आई है, ये भी कॉन्सेप्ट कार है, बट इसका कलर इतना ज़्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल बबल गम वाली वाइब्स आ रही है मुझे इससे. आपका क्या कहना है, आपको कैसा लग रहा है ये कलर, और अगर ऐसा कलर टाटा एक्चुअल में निकालेगी, क्या आप बाय करने वाले हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एक्चुअली ये इसमें रेड दिख रहा है, बट ये है पिंकिश टाइप, पिंक बबल गम कलर. हाँ. तो जरूर बताना कि अगर ऐसा कलर लॉन्च होगा तो कौन कौन इंटरेस्टेड होगा बाय करने में. सो टाटा पंच भी अब CNG में आ गई है, और इस तरफ टाटा एल्ट्रॉस CNG. यहाँ पे सिलेंडर्स के बाद काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. दिस द हैरियर डार्क, सो यू विल सी दिस इज़ योर ADAS सिस्टम, एंड यहाँ पर एक कैमरा आ गया है, एंड देन यहाँ पर भी आपको कैमरा मिलेगा. इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, एंड जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. इट इज़ एक्चुअली शाइनी ब्लैक, सो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी थोड़े थोड़े शाइन के पार्टिकल्स हैं, तो एकदम चमकने वाली है ये रोड्स पर. एंड डेफिनेटली माय लाइक दिस इज़ वन कार विच आई रियली लव्ड इन दिस होल ऑटो एक्सपो.
एक बार बूट स्पेस भी देख लेते हैं. सो एज यू कैन सी काफ़ी गहरी बूट स्पेस है, तो आपको बहुत अच्छी बूट स्पेस मिलने वाली है जिसमें आपके जो बैग्स वगैरह वो इजीली फिट हो जाएंगे. एंड यहाँ पर ये जो ट्रे है दिस इज़ ऑल्सो वेरी वाइड, सो जगह की तो बिल्कुल कमी नहीं है इस कार में. और पीछे अगर कोई बैठ भी रहा है तो देयर इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल. एंड नाउ सिमिलर टू दिस हैरियर टाटा ने निकाली है सफारी, जो कि ऑल्सो इज़ इन डार्क एडिशन. सो दिस इज़ द सफारी डार्क एडिशन. सो दिस इज़ वॉट द सीट्स लुक लाइक. दे डू हैव अ लग्जूरियस फील टू इट. कलर आई नो कैमरा में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट इतना ज़्यादा है नहीं. मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है. बाकी इट हैज़ एम्पल स्पेस. सो दिस इज़ द कम्प्लीट मून रूफ जो यहाँ तक हमारी ओपन होती है, एंड बट इट गोज अप टिल देयर. एंड एज यू कैन सी पीछे तीन लोग बैठे हैं, बट आर यू गाइज कम्फर्टेबल? सो स्पेस अच्छी है. क्या करना, बंद कर दो. एंड यहाँ पर बात करें, दिस इज योर गियर एंड ये सब कंट्रोल्स हैं. हेलो, कैसा लग रहा है गाइस? यार काफी अच्छा है, बढ़िया लग रहा है यार. इसमें डार्क भी नहीं लग रहा इतना, मतलब कलर अच्छा है ये वाला ऊपर वाला तो, बट इसका कलर चेंज करवाना पड़ेगा. लाल थोड़ा ज्यादा लाल हो गया. वैसे लाल है ना, भी मॉडर्न लग रहा है, लग्जरी लुक भी दे रहा है. मैं सही बताऊं मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिस इज गिविंग स्पोर्ट्स कार वाली फील. हां थोड़ा डिफरेंट भी है, मतलब डिफरेंट व्हाइट और उससे ना. यस, व्हाइट और ब्लैक से थोड़ा सा लग रहा है. हां जी पापा देखते हैं. ये खोलना इसको, हां देखो. टाटा मोटर्स के साथ ही है MG का पवेलियन, एंड दिस स्टनिंग कार इज MG4. MG के पवेलियन में भी था EV का बोलबाला. यार EV में बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, EV ही EV फ्यूचर है. इन्होंने बना रखा था ये इंटरनेट जोन टू एक्सपीरियंस द ब्यूटीफुल टच डिस्प्ले जो आता है MG हेक्टर में. And this is the all new MG. काफी अच्छी लुक निकाली है इन्होंने, ग्रिल काफी अच्छी लग रही है इसकी. बाकी इसमें फीचर्स तो बहुत होते हैं हमेशा से, स्टार्टिंग से ही हेक्टर में तो सबसे ज्यादा फीचर आते हैं. दिस इज MG ग्लॉस्टर. इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है और ये ऑफ रोडिंग के लिए काफी अच्छी है. एडवेंचरस इन्होंने लुक दी हुई है अपनी गाड़ी को कि ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी है. तो ऐसे इन्होंने थीम पार्क अच्छा बनाया हुआ अपना. लंदन ब्रिज, बॉर्न इन UK. शुजिकापुरी, बॉर्न इन इंडिया. Oh yes. So guys, हम यहाँ पर approximately 11:30 के आसपास आए थे और अभी 2 बज गए हैं. तो 2:30 बज गए हैं. 2:30 बज गए almost. हमें 3 घंटे हो गए हैं and हमने mainly सब चीजें cover कर ली हैं. Although I would say you need more time. पूरा दिन चाहिए, मतलब अगर अच्छे से देखना है, क्योंकि हमारे पास actually एक और हमने पटियाला जाना है, तो उस वजह से हम पूरा टाइम नहीं दे पा रहे आज. बाकी 6 बजे तक है, मतलब आराम से आप देख सकते हो 6:30 बजे तक. आप सुबह 11 बजे आओ और पूरा देखो और बहुत मज़ा आता है यार. टेक्नोलॉजी का इतना पता लगता है ना, मतलब EV हो गया, अपना हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, चार्जिंग स्टेशन के बारे में, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत कंसेप्ट कार्स हैं. फिर आपके तो मॉडल्स हैं, डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइंस बनाए हुए हैं यहाँ पे. आपने देखा ये सारे इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स ने अपने डिज़ाइन रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी का असली पता यहाँ पे आके लगता है कि हाँ क्या चल क्या रहा है असली में. एंड जितने भी हॉल्स हैं, हमने मोस्ट ऑफ द हॉल्स जो है वो कवर कर लिए हैं. एक जो हमने छोड़ दिया वो था ऑटोमोबाइल, हमने टू व्हीलर्स जो है वो वाला हमने स्किप कर दिया. थ्री व्हीलर और टू व्हीलर्स, बट मोस्टली आई वुड से सबसे जो मुझे सबसे अच्छा लगा दैट वाज द सुपर कार्स वाला, एंड देन सेकंड दिस टाटा एंड MG वाला. MG और टाटा बहुत अच्छा बनाया हुआ था.
दोनों का टाटा की गाड़ियाँ और एमजी की गाड़ियाँ ईवी में, मतलब उन्होंने एक्चुअली अपने यूरोप की भी गाड़ियाँ दिखा रखी हैं, सिर्फ इंडिया की नहीं, कंसेप्ट कार भी हैं यूरोप में जो लॉन्च हो रखी हैं, ईवी से एमजी सिक्स समथिंग लाइक दैट जो अपनी उसमें लॉन्च हो रखी है यूरोप में, वो सब भी यहाँ पर प्रजेंट कर रखी थी। तो आई वुड से ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसकी टिकट हमने करवाई थी बुक माई शो के थ्रू, तो आप भी अगर अभी तक टिकट्स नहीं करवाई हैं तो फटाफट करवा लीजिए, क्योंकि ये जो ऑटो एक्सपो है ये अभी तक अभी चलेगा कब तक, 18 तारीख तक। सो यू कैन श्योरली कम हेयर, इट इज़ टोटली वर्थ इट एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। वी होप कि अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा कार्स में, टेक्नोलॉजी में, तो अगर मजा मतलब देखना चाहते हो तो बहुत मजा आएगा। सो वी होप कि आपको आज का जो हमारा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डू प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगी और आप कौन सी कार का एक्चुअल में वेट कर रहे हो कि वो लॉन्च हो जाए और यू कैन बाय दैट, तो ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।